नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। साथियों, कल एक बहुत बड़ी दुर्घटना, एक बहुत बड़ा हादसा उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुआ और जिसमें 20 से ज़्यादा लोग जो है उनकी जान चली गई और करीब छः लोग घायल हो गए हैं और जिनका इलाज चल रहा है। और प्रधानमंत्री राहत कोष के द्वारा जो मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपये राशि देने की घोषणा की गई है, जबकि 50-50 हज़ार घायलों को देने का वादा किया गया है। और आज का जो हमारा वीडियो बनाने का मोटिव ये है क्योंकि आज उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जो है घोषित किए जाएंगे। और हमारे साथ कुछ युवा हैं जिन्होंने 12वीं के और 10 के पेपर दिए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर, क्योंकि एक ये होता है कि रिजल्ट घोषित होने से पहले एक तरह से एक मन में अजीब सा रहता है और मन में कई सारे ख्यालात आते हैं, उनको भी स्थिति हम जानेंगे उनसे। तो हमारे साथ यहाँ पर बघौरी गांव के कुछ युवा हैं जिन्होंने 12वीं और 10वीं की परीक्षा दी है। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम विनय सिंह राणा है। विनय जी, कौन सी कक्षा है? जी, 12th इस बार पेपर दिए हैं। इस बार 12th के पेपर दिए हैं। आज रिजल्ट घोषित होने वाले हैं, कैसा लग रहा है? कहीं ना कहीं बहुत उत्सुक हैं, जब से ये सूचना मिली है कि रिजल्ट निकलने वाले हैं, और कहीं ना कहीं डर भी है एक अंदर कि क्या होगा। इसलिए तो डर और एक्साइटमेंट दोनों ही हैं। और जिस तरह से आज शाम 4 बजे को उत्तराखंड के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, वो उद्घाटन करेंगे, वो रिजल्ट को अनाउंस करेंगे। और भी हमारे साथ हैं, क्या नाम है जी आपका? भूपेश सिंह राणा। भूपेश, कौन सी क्लास है आपकी? इस बार 12 का पेपर दिया है। कैसा लग रहा है, किस तरह से महसूस हो रहा है कि जब से आपने सुना है कि आज रिजल्ट आने वाले हैं? डर भी लग रहा है, अजीब सा भी लग रहा है अंदर से। डर भी लग रहा है, अजीब सा भी। क्या नाम है जी आपका? विवेक सिंह राणा। विवेक जी, कौन सी कक्षा के पेपर दिए हैं आपने और क्या लग रहा है आपको? इस बार 12th के पेपर दिए हैं, मुझे तो खुशी है रिजल्ट आ जाने वाला है, लेकिन चिंतित इस बात से हूँ कि जो केमिस्ट्री का इस बार पेपर आया था 12th का, वो जो लास्ट 10 साल के पेपर जो थे उससे पूरा पैटर्न चेंज होकर आया था, तो संभावना तो ये है कि ठीक ही नंबर आएंगे। अब देखो क्या होता है, लेकिन केमिस्ट्री का पेपर जितनों से भी पूछा, जितने बच्चों से पूछा, जितने टॉपर्स से पूछा, सभी ने यही कहा है कि जो केमिस्ट्री का पेपर था वो इस बार अलग आया था। केमिस्ट्री का हर किसी का पेपर बेकार गया है, कहने का मतलब ये है। तो मुझे तो ये लगता है कि जहाँ, मतलब जिस हिसाब से मैंने जो मेहनत की उस हिसाब से तो मुझे, मतलब 80% प्लस ही मिलेगा। 80% प्लस ही मिलेगा इनको ये लगता है। क्या नाम है आपका? प्रिंस राणा। प्रिंस, ये बताओ क्या महसूस कर रहे हैं, आज रिजल्ट आने वाले हैं आपके, और कौन सी कक्षा में हैं? वैसे तो मैं हूँ कक्षा 12 में और मुझे बहुत डर भी लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? रात में नींद ही नहीं आ रही है, पेपर ऐसे गए थोड़ा बहुत। अब पढ़ाई मैंने की ही नहीं थी और पूरे स्कूल में ऐसे घूमते थे हम, कुछ पता ही नहीं लगता था। और तो ये बताओ, जब पूरे स्कूल में आप ऐसे घूमते थे और पढ़ाई नहीं करते थे, तो इसे डर तो लगना लाजमी है। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? सुनीत सिंह राणा। अच्छा, कौन सी कक्षा का पेपर दिया? 10th। 10th का। कैसा महसूस कर रहे हैं? डर भी लग रहा है और खुशी भी हो रही रिजल्ट आने की। डर क्यों लग रहा है? डर क्यों लग रहा है? डर इस वास्ते लग रहा है क्योंकि पेपर थोड़े अच्छे नहीं गए। पेपर अच्छे नहीं गए। और भी जिस तरह से कई सारे लोग हैं, आप आ जाओ इधर भी आ जाओ, आप लोग इधर आ जाओ, जितने भी हैं एग्ज़ाम देने वाले बच्चे और जुक्की, आज जैसा ये बता रहे हैं कि इन्हें डर भी लग रहा है और एक तरह से खुशी भी है इस बात की कि आज रिजल्ट आ रहे हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि मेरे 80% मुझे लगता है कि आ सकते हैं। पिछले बार जब आपने 10वीं के एग्ज़ाम दिए थे, कितनी परसेंटेज बनी थी, क्या हुआ था? मेरी 10वीं में बनी थी 86.2, तो जो मेरी परसेंटेज कम हुई उसकी वजह से, क्योंकि जो कोरोना आ गया था तो मैंने तैयारी में ढील दे दी। मैंने सोचा कि कोरोना आ गया है, एग्ज़ाम तो होने नहीं है, बहुत सी अफवाहें उड़ी कि एग्ज़ाम नहीं होगा, कि ऐसा वैसा। तो बाद में एग्ज़ाम हुए एकदम, यानी कि अचानक से डेट आई, तो उतनी तैयारी नहीं हो पाई।
तो एक तरह से ये भी था कि कोरोना की वजह से एक तरह से लूज मार्किंग की गई थी, एक तरह से जो छात्र हैं उनको एक फ़ायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि पढ़ाई उस दौरान नहीं हो पाई थी, तो शिक्षा जो भी है परिषद ने उन्हें एक तरह से लूज मार्किंग की, तो बच्चों की परसेंटेज भी अच्छी आई। तो मैं ये मतलब जो इस बार हैं बोर्ड में, इस बार के जो छात्र छात्राएं हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जो अच्छा है पढ़ने में, जो अच्छा प्रेजेंटेशन करना चाहता है, तो राइटिंग तो कहीं ना कहीं महत्व करती ही है। लेकिन बात ये है कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं, मतलब मेरे ही जैसे मान लो, तो मैंने अच्छा प्रेजेंटेशन देने के चक्कर में मेरे कई क्वेश्चन छूटे हैं, फिजिक्स में भी और मैथ में भी, और केमिस्ट्री केमिस्ट्री का तो पेपर ही ऐसा ही गया है, और इंग्लिश का भी ऐसा ही गया है। मतलब मैंने इतना मतलब जो क्वेश्चन आते थे, आते हुए जो बावजूद जो क्वेश्चन छूटता है, फिर उसके बाद जो बुरा लगता है, तो मैं और छात्र छात्राओं को यही बताना चाहूँगा कि ये ना सोचे कि मतलब मैं अच्छा प्रेजेंट करो, लेकिन उसे लंबा मत खींचो, जितना पूछा है उतना ही आंसर दो। यानी एक तरह से स्पीड पर भी आपको ध्यान देना है, वरना आपका एग्ज़ाम जो है छूट सकता है, यही कहना चाह हाँ रहे हैं हाँ आप। विनय जी ये बताइए, जिस तरह से आपको क्या लगता है तैयारी किस तरह की थी, एग्ज़ाम में किस तरह के नंबर आपको आ सकते हैं या किस तरह की परसेंटेज आपको आ सकती है? तैयारी तो पूरी की थी और मेहनत भी की थी। अब आगे देखो कि रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा किस तरह के मार्क्स आते हैं। रिजल्ट बताएंगे किस तरह के मार्क्स आते हैं। भूपेश जी आप आ जाइए, और जिस तरह से आपकी तैयारी कैसी थी, कौन से विषय में आप लूज लग रहे थे, कौन से विषय में आप के अच्छे मार्क्स आ सकते हैं? अच्छे तो पता नहीं किस में आ सकते हैं, पर फिजिक्स का थोड़ा बेकार गया था। अच्छा, हम पीसीएम में कौन सा है आपके पास? पीसीबी। पीसीबी है तो आपका एक तरह से फिजिक्स का एग्ज़ाम जो है ख़राब गया। तो आज जो है तकरीबन हमने इनसे बात की है, और जिस तरह से करीब 1,29,776 बालक जो हैं हाई स्कूल में, इनके रिजल्ट आने वाले हैं, जबकि 1,13,164 इंटरमीडिएट के छात्र हैं जिनका आज रिजल्ट घोषित किया जाना है। तो इन सभी छात्र और छात्राओं को राना न्यूज़ की तरफ से, आर न्यूज़ की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं, अग्रिम बधाई है, और आज देखते हैं कौन टॉप करता है और कौन इस परीक्षा में फेल होता है। इतने बच्चों का किस्मत का फैसला आज होने वाला है। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए आर न्यूज़ के साथ।